बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ोमान में रखे, हर शर से हिफाजत फरमाए। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड विद जेली। तो इसके लिए हमें चाहिए कस्टर्ड। पहले जेली के बता देती हूँ, जो फ्लेवर्स में है, एक बनाना फ्लेवर है और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और दूसरा कस्टर्ड में एक पिस्ताशियो, एक स्ट्रॉबेरी, चीनी, दूध हसबी ज़रूरत। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी जेली, जिसके लिए मैंने पानी रख दिया है बॉयल करने के लिए। पानी बॉयल हो गया है तो 2 कप पानी लिया था एक एक जेली के लिए, पैकेट के लिए। तो अब हम जेली बना लेते हैं। दोनों फ्लेवर के क्रिस्टल्स डाल दिए हैं, ये डिसॉल्व हो जाए तो निकाल लेंगे। बहुत आसान है, जल्दी से बन जाती है, बच्चों को भी पसंद आती है। ये क्रिस्टल डिसॉल्व हो गए हैं तो इनको अब हम निकाल लेंगे कप में। किसी भी चीज़ में आप इसको सेट कर लें, अपने फेवरेट बॉल में। इनको आप थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये क्रिस्टल हमारे तैयार है जेली, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में। तो उसके बाद कस्टर्ड बनाएंगे। ये जेली सेट करने के लिए रख दी है, तो अब हम कस्टर्ड बनाएंगे। या तो आप ऐसा करें कि एक ही पॉट में दूध बॉयल कर लें और बॉयल होने के बाद उसको डिवाइड कर लें, या फिर सेपरेट पॉट में कर लें, क्योंकि 2 फ्लेवर में बनानी है तो 2 पार्ट में करना चाहें तो 2 में कर लें, वरना एक ही में बॉयल करके तो डिवाइड कर लें। तो मैं 4 कप दूध डाल रही हूँ, फिर मैं इसको डिवाइड कर लूँगी 2-2 कप। आप चाहें तो दूध में डिसॉल्व कर लें, चाहे तो पानी में कस्टर्ड पाउडर। तो मैं दूध में ही कर ली हूँ। पहले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में 3 टेबल स्पून दिए, तो इसको दूध के साथ ही हल कर लूँगी। दूध भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है, तो मैं इसी में कार्डमम भी मिला दूंगी, अगर आप चाहें तो मिला लें, नहीं तो नहीं। और चीनी भी एक ही जगह पे कर रही हूँ, फिर उसको बाद में डिवाइड कर दूंगी। अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी भी डाल लें। चीनी डिसॉल्व हो जाए तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगी 2 फ्लेवर्स के लिए। इसको मैं दूध को आधा आधा कर लूँगी 2 फ्लेवर्स के लिए, आधे में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और आधे में बनाना फ्लेवर। तो दोनों एक ही वक्त में तैयार हो जाएंगे। दूध बॉयल हो गया है, एक में मैंने डिवाइड कर लिया था, तो अब मैं इसमें एक में कस्टर्ड, बनाना कस्टर्ड डाल रही हूँ और दूसरे में स्ट्रॉबेरी। तो पहले एक को हल कर लूँ, क्योंकि तो वो नीचे लग जाएगी, तो इसलिए पहले एक सेट कर लूँ। जेली भी हमारी सेट हो गई है, बनाना कस्टर्ड हमारी तैयार हो गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी कि वो जेली के ऊपर डालूँ तो फिर वो मेल्ट ना हो, तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको। और दूसरी तरफ हम ये स्ट्रॉबेरी वाली कस्टर्ड इसमें ऐड करेंगे। हमारी कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी वाली भी तैयार हो गई है, तो थोड़ा सा ठंडा करेंगे कि जेली के ऊपर डालने में फिर आसानी से हो। ये अब थोड़ी ठंडी हो गई है, तो इसको अब हम निकालेंगे। जो रेड जेली थी उसके ऊपर ग्रीन डालूंगी, और जो ग्रीन जेली थी उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी वाली डालूंगी। उनको फिर से सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो ये हमारी कस्टर्ड एंड जेली तैयार है। आप भी बनाएं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करते हैं। तो आप किसी भी तरह इसको गार्निश कर लें। मैंने कस्टर्ड बनाई है बनाना फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स में, और जेली भी स्ट्रॉबेरी और आई थिंक एप्पल फ्लेवर था इसका, ग्रीन वाला।
तो आप भी किसी भी कलर में, किसी भी फ्लेवर में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी से गार्निश करें, सीड्स के साथ, जेली बीन्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो एंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।